देश में बढ़ती महंगाई को एक बार फिर विपक्षी पार्टियों ने डायन का रूप दे दिया है। तस्वीर वही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अभी एनडीए सत्ता में और महागठबंधन विरोध में, और एक बार फिर आज दूसरे दिन भी राजद ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया। इसी को लेकर आज पूर्वी चंपारण के मुख्यालय मोतिहारी के सड़कों पर सैकड़ों की भीड़ के साथ राजद कार्यकर्ता और नेता बैलगाड़ी से निकले। साथ ही खाद, तेल, पेट्रोल सहित रसोई गैस के दामों को लेकर राजद नेता मणि श्रीवास्तव ने अनोखे ढंग से इसका विरोध जताया। जहां गले में खाद तेल के बोतल का माला पहने भी बैलगाड़ी पर चूल्हे जलाकर भोजन बना सरकार का विरोध जताया। आपको बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर राजद ने दो दिवसीय आंदोलन का आगाज कर दिया है। इसी को लेकर आज बिहार के सभी जिले में राजद नेता व कार्यकर्ता द्वारा कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है, और इसी की तस्वीर मोतिहारी से सामने आई है। हालांकि ये जो तस्वीर सामने आई है भले ही नहीं हो, पर मुद्दे वही हैं जो 2014 में हुआ करते हैं। महंगाई के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल के परम आदरणीय बिहार के लोकप्रिय तेजस्वी जी का ऐलान है कि आज इस बढ़ती महंगाई में गैस सिलेंडर की समाप्ति की जाएगी। आप लोग इस महंगाई के विरोध में हम लोग सब लोग मिल के जाने का काम करेंगे। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद तेजस्वी, जिंदाबाद तेजस्वी, जिंदाबाद को लेकर हम लोग के पूर्व अध्यक्ष और भाई हामिद राजा जी आप लोगों को कुछ बताएंगे। आज हम लोग के बिहार के भावी मुख्यमंत्री और बिहार के देश के लोकप्रिय तेजस्वी जी का ऐलान है कि महंगाई के विरोध में भारत सरकार और नीतीश कुमार के यह मनमौजी रवैया को लेकर पूरे बिहार आग इस महंगाई बढ़ती महंगाई को लेकर हम लोग सड़क पे हैं और सड़क से सदन तक हम लोग जाएंगे और गरीबों के हक हकूक दिलवाने का काम करेंगे। क्या है, क्या मुद्दा, क्या है? मुद्दा है कि आज गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, दाल, करू तेल, अनेकों चीज पे दाम की बढ़ोतरी हुई है। भारत सरकार इसमें कहीं से किसी प्रकार के अपनी भूमिका नहीं निभा रही है। गरीबों को सिलेंडर तक का पैसा नहीं है कि वो भरवा के अपने घर में खाना बनवा के खाए।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।